हाय, मैं हूं नादिया खान और मैं सपोर्ट करती हूं पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स को। इसलिए अपने फेवरेट ड्रामास देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास को। और हाँ, मेरा चैनल आउट स्टाइल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें आपका इंतज़ार रहेगा। सिया आई हैव अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। बीबी पुलिस कस्टडी के दौरान कहीं गायब हो गई है। What? जिन्होंने किया होगा। कहाँ है बीबी? प्लीज यू प्लीज काम डाउन प्लीज। ये क्या कर रही हो, पागल हो गई तो? वापस करो मुझे पिस्तौल, मार दूंगी इसे मैं। बीबी को मार के हमें कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, सिर्फ बूबू को तकलीफ देना चाहती हूँ। आप भी लेके गई है बीबी को, मुझे पता है वो ही लेके गई उन्हें, अब वो मार देंगी, मुझे पता है मार देंगी। मिस्टर शॉप, कहाँ जा रहे थे आप? मैं जरा बैंक तक जा रहा था। लेकिन आपके घर से यहाँ तक हजारों बैंक गुजर चुके हैं, लेकिन आप रुके नहीं गई। वो जिस बैंक में मेरा अकाउंट है वो यहाँ से थोड़ा दूर है। आपको ये पसीना क्यों आ रहा है? वो आप तो जानते ही हैं, बहुत गर्मी है आजकल। हाँ गर्मी, लेकिन आपकी गाड़ी का तो ऐसी ऑन है। अरे आजकल जैसी गर्मी है उसके सामने तो ये गाड़ी की ऐसी हार मान जाता है। ठीक है, आप जा सकते हैं। चलो चांदनी प्लीज, मुझे आपका फोन चाहिए। खैरियत? वो मुझे पुलिस वाले अंकल को कॉल करनी है, आप डायल कर। हेलो पुलिस वाले अंकल। कौन? अंकल मैं बूबू। हाँ बूबू बोलो। वो बीबी मिल गई आपको? नहीं बुबू, अभी तक तो कोशिश चल रही है हमारी, लेकिन मिल जाएगी, फिक्र मत करो। वो कब मिलेंगी? मुझे ना बहुत याद आ रही है बीबी, आप प्लीज जल्दी ढूंढ लेना। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम अल्लाह ताला पे भरोसा रखो और दुआ करो। क्या? हाँ। अल्लाह हाफिज़। कामरान भाई का मैसेज? क्या हुआ? फिर फोन करूंगा। कोई फायदा नहीं। नाज़नीन, बूबू, चांदनी, बेबी, हाँ बोलो, कुछ पता चला? सर शोहाब अभी कुछ देर पहले घर से निकला, बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। हमने रोक कर पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं बैंक जा रहा हूँ, लेकिन सर वो थोड़ा डरा डरा सा लग रहा था। उस पे चील की नजर रखो, कोई भी मशकूक हरकत करे मुझे बताना। ओके ओके सर। राज को फोन कर।
हाँ महराज मेरी बात सुन, अपनी कहानियां बन गए, मेरी बात सुन पहले। हाँ मुझे एक बंदे को मरवाना है, हाँ, और मुझे उसकी मौत की खबर जल्द से जल्द चाहिए। हाँ मैं तुझे बताता हूँ, उसका नाम बुबू है, वो चलो इसके पीछे हम भी तो देखें कौन से बैंक जाता है ये। चलो अस्सलाम वालेकुम जज साहब। वालेकुम अस्सलाम, मैं इंस्पेक्टर जमाल। अच्छा 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 अच्छा, आपसे फोन पे बात हुई थी। जी 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 जी। जज साहब मुझे बीबी के केस के सिलसिले में आपसे कुछ सवाल पूछने। जी जी फरमाइए। मुझे ये बताइए जज साहब के बीबी ज्यादा क्लोज किसके थी, बुबू के या नाजरीन के? जैसे कि जब इस केस का आगाज हुआ तो बीबी नाजरीन के साथ आया करती, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद वो बुबू के साथ आने लगी। चांदनी का ये कहना था कि बीबी को नाजनीन ने वरगलाया है, जबकि नाजनीन का ये कहना था कि बीबी को वरगलाने में बुबू का हाथ है। बीबी का खुद का क्या मानना था कि उसकी परवरिश के लिए ज्यादा बेहतर कौन रहेगा? देखिए बीबी खुद बहुत कंफ्यूज थी, उसने बचपन से अब तक जिंदगी बुबू के साथ गुजारी थी, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद वो बुबू को छोड़कर नाजनीन के घर चली गई, और फिर थोड़े अरसे के बाद ही नाजरीन को छोड़कर फिर बुबू के पास आ गई और ये कहने लगी कि नाजरीन उसे मारना चाहती है। आपको बजाते खुद क्या लगे, कौन सच कह रहा है और कौन झूठ? देखिए सच पूछे तो मुझे शहाब और नाजरीन की बातें काफी मशकूक लगी, लेकिन उनके दलाइल बहुत मजबूत थे, लेकिन जज्बाती तौर पर चांदनी और बुबू का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन ऑफकोर्स अदालत जज्बात से ज्यादा हकायक को तरजीह देती। आपकी नजर में ज्यादा खतरनाक कौन है, बुबू या शहाब? मैं समझा नहीं। देखिए जज साहब ये पूरा केस बीबी को सेफ रखने पे मबनी है, और जहां तक शहाब का ताल्लुक है उसका उठना बैठना बहुत ही मशकूक लोगों के साथ, जबकि बुबू के बारे में ये कहा जाता है कि उसका ब्रेन वॉश करके आप कुछ भी करवा सकते हैं, am I right? बात तो आपकी सही है। तो आपको क्या लगता है बीबी को अगवा किसने किया होगा, बुबू ने या शहाब? देखिए ये करोड़ों का मामला है, मैं समझता हूं कि ये दोनों ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। जज साहब आपको लगता है कि बुबू में इतनी अकल है कि वो इतना बड़ा काम कर सके? मेरे ख्याल में कोई तीसरा फर्द भी इसमें शामिल हो सकता है। अगर तो कोई तीसरा फर्द है तो यकीनन वो शहाब का प्लांटेड बंद है। खैर एनीवेज आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कोई बात नहीं, बाय। मुझे यहाँ से मिला है, मुझे रोड से मिला है। क्या है ये? नीचे नीचे नीचे, ये तो गन है। नीचे रख के आहिस्ता, ये तो गन है यार। आहिस्ता बोलो, कोई देख लेगा हमें। आप बैग ले ले। नहीं चाहिए। बुबू मोबाइल निकालो अपना। अच्छा तो तू है बुबू? अंकल कर रहे हो? क्या कर रहे हो तू? तू जहां क्या कर रहा है? चल चल के थक गयो, पाँव में दर्द हो रहा है, सांस भी ले लेंगे ना, दो मिनट रुक जाओ प्लीज। मैंने अपनी घड़ी में दो मिनट का टाइम सेट कर लिया है, दो मिनट के बाद हम लोग घर चलेंगे। यार अभी नहीं, दो मिनट रुक जाओ ना प्लीज, दो मिनट।
इतनी दूर से चलता हुआ आ रहा हूं मैं। ओके क्या कर रहे हो? दो मिनट टाइम सेट कर दिया मैंने। परेशान तुमने भी अब सांस लेना क्या? नहीं परेशान, मुझे यहां से मिला, मुझे रोड से मिला। क्या है ये? नीचे 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 नीचे, ये तो गन है। नीचे रख के आहिस्ता, ये तो गन है यार। आहिस्ता बोलो, कोई देख लेगा हमें। तुम्हें कहां से मिली? आहिस्ता बोलो, तुम्हें कहां से मिली? मिली यार, ये बहुत खतरनाक चीज है। इसको नीचे रख लो, नीचे रख के बोलो परेशान। हाँ ये बहुत खतरनाक चीज है, हमें ये पुलिस अंकल को देनी है। गुड आइडिया, चलो चलो चलो। इंस्पेक्टर जमाल, क्या काम है आपको? वो काम से गए। अब वो कब तक आएंगे? कुछ पता नहीं, क्या काम है? आपको नहीं बताएंगे हम, आप हम उनको बताएंगे। ठीक है फिर इंतजार करें। तो यहां पर है, मैं अभी आता हूं, समझे? तुम तीनों यहां क्या कर रहे हो? वो बीबी 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 का पूछने हैं। बीबी? बीबी अभी नहीं मिली है, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तुम तीनों सिर्फ ये पूछने आए हो? नहीं वो एक और बात। अच्छा तुम तीनों मेरे रूम में आओ। बोलो क्या कहना चाह रहे थे तुम लोग? हमें एक ऐसी चीज मिली है जो हमें लगता है कि उस आदमी की है जिसने बीबी को अगवा किया। क्या चीज है दिखाओ मुझे। नहीं नहीं खोलना नहीं इसको, इधर ला। ये कहां से मिली तुम लोग? रोड से। तुमने खोला तो नहीं ना पक्का? इंस्पेक्टर साहब इसके मिलने से हमें बीबी मिल जाएगी ना? अगर इस वेपन का ताल्लुक इस केस से हुआ तो जरूर मिल जाए इंशाल्लाह। बस आप ना पूरी कोशिश करना कि बीबी मिल जाए। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम तीनों दुआ करो इंशाल्लाह वो जरूर मिल जाए। अच्छा ठीक है अब तुम दिनों जा सकते हो। इंस्पेक्टर दीदी इंशाल्लाह। दिलावर, शाबाश मेरा बच्चा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा कुछ खा लो। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, पता नहीं बीवी ने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, मैं नहीं खाऊंगा। बेटा तुमने कुछ खाया? नहीं सेब मामा, मेरा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा है। क्या होगा इनका? अरे बच्चे हौसला रखो, अभी तो तुम बड़े हो गए हो, छोटे तो नहीं हो ना मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। क्या वो आपके पास है? वो ठीक है, हम बस आ रहे हैं। बूबू बीवी मिल गई है। हैं? मिल गई।
कहाँ पे? इंस्पेक्टर जमाल की कॉल थी, वो कह रहे हैं कि बीबी उनके पास ही, आप आके ले जाएं। अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ चलो चलो जा, चलो जा, चलो जा, जा इसके साथ जाओ, ये तुम्हें ले जाएगी, जाओ। परेशान आप भी चले। कहाँ, क्या हुआ? हाँ बीबी मिल गई, परेशान बीबी मिल गई, मुझे पता है कहाँ जा रहे हैं। मिल गई बीबी, मिल गई, चलो चलो जाओ मेरा बच्चा, चलो जाओ, खुदा हाफिज़। तुम दोनों जाओ, दरवाजा बंद करो, अंदर से बंद करना, बाहर से ना कर देना, जाओ। बीबी बीबी हम आ गए, बीबी 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 यहाँ पे कैसे होंगी? बीबी बीबी परेशान अंकल आ गए, बीबी चलो, बीबी बीबी कहाँ चली? बीबी अब फोन कर देना उनको। आप कौन? मोबाइल ले ले, मैं देता हूँ। आप बैग ले ले। नहीं चाहिए। बुबू मोबाइल निकालो अपना। अच्छा तो तू है बुबू? अंकल चाली को क्या हुआ? चाली मुझसे बात करो प्लीज, चाली परेशान है, परेशान परेशान, किसी को बुलाओ अंकल, चाली कोई, चाली चाली प्लीज बात करो ना, चाली परेशान, परेशान चाची, सॉरी चाची, मुझसे बात करो ना प्लीज। आपको खुश नहीं होगा चाची, पहचान अंकल है, चाची उठ जाओ ना प्लीज, पहचान है चाची, प्लीज कुछ बोलो ना चाची, प्लीज जल्दी ऑपरेशन टीम को अलर्ट करो, कोई जल्दी करो, पहचान बस आप लोग यहीं पर रुके, रुके 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 आप यहीं रुके, मेरी वजह से हुआ ये सब, वो मेरी वो हेल्प नहीं करती ना तो नहीं होता ये सब, मेरी वजह से हुआ, कुछ नहीं होगा चांदी, मेरी वजह से हुआ, कुछ नहीं होगा, चांदी भी ठीक हो जाएगी और बीबी भी मिल जाएगी वो, मेरी वजह से हुआ है पैसा, पैसा मेरी वजह से हुआ है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे जाना है वहां पे। हेलो ज़ेब मामा। हाँ परेशान कहाँ हो तुम लोग? ज़ेब मामा बीबी मिल गई? बीबी नहीं, ज़ेब मामा वो चांदनी को गोली लगी, ज़ेब मामा क्या कब कहाँ कहाँ हो तुम लोग? हम लोग हॉस्पिटल में हैं मामा, आप अपनी जल्दी आ जाए ना। ओके
भाई काम हो गया। बहुत अच्छे, शाबाश भाई। अब तो मेरे पैसे दे दो। अगवा भी कर लिया और कत्ल भी कर दिया। अरे यार मैं तेरे पैसे दे दूंगा, मैं कहां भागा जा रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बता कि तूने बूबू को मार दिया ना? वो भाई थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़? क्या मतलब? पुलिस ने तो नहीं देख लिया? अरे नहीं भाई, पुलिस ने नहीं देखा। तो फिर क्या होगा, मुझे बता तो सही। मैंने गोली तो बूबू को ही चढ़ाई थी, लेकिन वो उस लड़की को लग गई जो उसके साथ आई थी। क्या बकवास कर रहे तू? हाँ भाई। अच्छा मुझे ये बता कि बूबू जिंदा है? बूबू जिंदा है। तू पागल तो नहीं हो गया? तुझे बोला था ना मैंने कि बूबू को मार देना। मैंने तो बूबू पे गोली चलाई थी। और मुझे क्या पता था कि वो लड़की सामने आ जाएगी। सारा का सारा गेम खराब कर दिया तूने। सुन रख, नासिन से क्या कहूं। लमिया प्लीज चांदनी को बचा ले। पैज वाले अंकल ने उनको गोली मार दी। लमिया प्लीज, मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। लमिया आपने तो मामा बाबा को भी बुला लिया है और फिर बीवी भी नहीं मिल रही और चांदनी भी। प्लीज अल्लाह मियां चांदनी को बचा ले। मैं ना प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं अब तंग नहीं करूंगा चांदनी को। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। सॉरी। सब क्या हो गया, कैसे हुआ? वो मामा, वो हम लोग बीबी को लेने गए ना, वहाँ एक अंकल आ गए, उनके पास पिस्टल थी, उन्होंने उन्होंने बूबू की तरफ पिस्टल कर दी और चांदनी आगे आ गई, उसे गोली लग गई। बूबू के आगे चांदनी आ गई थी? बेटा वो तुम लोगों तो वो इंस्पेक्टर कहाँ है जिसने फोन किया था और बुलाया था? उसे मामा वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। वहाँ इंस्पेक्टर नहीं था? वो डॉक्टर क्या कह रहे? डॉक्टर से बात नहीं हुई, वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में चांदनी के साथ है। बूबू कहाँ है? बूबू मेरा कहाँ है? बूबू वो सामने ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा है। बूबू ऑपरेशन थिएटर के बाहर है, मैं देख कर आती हूँ, तुम लोग यहीं रहना बेटा, आना नहीं मेरे पीछे। अच्छा बैद लोगों ने मार दिया ना, गोली मार दी। अल्लाह मियां प्लीज चांदनी को बचा ले प्लीज। बूबू मेरा बच्चा, अल्लाह की जात से मायूस नहीं होते, देख अल्लाह के हाथ में जिंदगी मौत है, इंशाल्लाह हमारी चांदनी को कुछ नहीं होगा, अल्लाह मियां चांदनी को सही कर देगा। तू क्यों परेशान हो रहा है बेटा? आपको पता है मैं बहुत बैड हूँ, बहुत बुरा, तभी तो सब छोड़ के चले जाते हैं मुझे। सब नहीं बोलते मेरा बच्चा, तू बहुत नेक है और चांदनी भी बहुत नेक है मेरा बच्चा, अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा, अल्लाह चांदनी को अच्छा कर देगा। देख अल्लाह ने तुझे चांदनी तोहफा दिया है ना, अल्लाह की मर्जी से तुम दोनों एक हुए हो, इंशाल्लाह अल्लाह तुम दोनों को इकट्ठा रखेगा, उसे सही कर देगा। अब नहीं रोना मेरा बच्चा, अब नहीं रोना। अल्लाह मियां नाराज है मुझसे। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, अल्लाह नाराज नहीं होता किसी से, हमारी गलतियों की सजा मिलती है, अल्लाह किसी से नाराज नहीं। मैंने हमला बूबू पे करवाया था लेकिन चांदनी बीच में आ गई। करवाया था क्या मतलब? मैं हमला खुद ही करने गया था लेकिन मेरे पीछे पुलिस लग गई थी तो मैंने अपनी गन बाहर फेंक दी। अब कहाँ चली गई हो चांदनी? मैं तो यही हूँ। नहीं हो ना आप, यहाँ आपका तो ऑपरेशन हो रहा है। अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, मैं यहाँ हूँ या नहीं।
हेलो क्या हुआ? व्हाट कब? कौन सा हॉस्पिटल? अच्छा तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। ओके सादिक, गाड़ी रेडी करो जल्दी। चांदनी कैसी? ऑपरेशन अभी चल रहा है और डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। ये सब हुआ कैसे? तुम तो थे बुबू के साथ। नहीं, चांदनी और परेशान इकट्ठे गए ना। इंस्पेक्टर अंकल मैं बताता हूँ। क्या हुआ था परेशान, बताओ मुझे। वो हम तीनों घर आए, चांदनी ने बोला बीबी मिल गई है, वो आपने तो कॉल की थी। क्या, किसने कॉल की? आपने। तुम्हें किसने कहा कि मैंने कॉल की थी? अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, जब वो गन वाले अंकल आए थे ना तो चांदनी आपको कॉल करी थी। देखो परेशान, ना मैंने किसी को कॉल की है और ना मुझे कोई कॉल आई। अगर आपने कॉल नहीं की तो चांदनी को बुलाया किसने उस जगह पर? मुझे तो किसी की चाल लगती है। अच्छा वो नंबर दिखाओ जिसे कॉल आई। हाँ चांदनी का मोबाइल मेरे पास। कम ऑन हरी, अब जल्दी दिखाओ। लेटेस्ट ये है ना। एक काम कर सादिक। जी सर, नंबर को ट्रेस करवा। ओके सर। अच्छा वो बंदा दिखने में कैसा? इंस्पेक्टर साहब मैंने उसे पहचाना नहीं, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च उसने अपना फेस छुपाया हुआ। कितनी देर लगा दी तुमने इस काम में, जल्दी से खुशखबरी तो सुनाओ मुझे। देखो नाज़नीन, बात कुछ ऐसी है कि। क्या बात है? वो बूबू की जगह गोली चांदनी को लग गई। क्या? मैंने हमला बूबू पे करवाया था लेकिन चांदनी बीच में आ गई। करवाया था क्या मतलब? मैं हमला खुद ही करने गया था लेकिन मेरे पीछे पुलिस लग गई थी तो मैंने अपनी गन बाहर फेंक दी और फिर मैंने महराज को फोन किया और उसे कहा बूबू को मारने के लिए। तुम्हें पता है कि तुमने किया क्या है? सारे का सारा गेम उलट दिया है तुमने। तो पुलिस को और ज्यादा शक हो गया होगा, वो और अलर्ट हो गई होगी। बूबू को मारना ना हमारे लिए और मुश्किल हो गया। चांदनी को नहीं, उससे पहले कल मेरी तरफ की थी। उसके बाद जब मैंने बोला बुबू अपना मोबाइल दो तो उसने कल बुबू की तरफ कर दिया। बुबू सब का बुबू अल्लाह मियां से दुआ मांग रहा है। सर नंबर ट्रेस करने के लिए दे दिया और सर फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट भी आ गई है। वो पिस्तौल वहीं से मिली थी जहां से शाह उस दिन गुजरा था। आपका मोबाइल, आप लोग बैठ जाएं, हम कोशिश करें। चलो मेरे साथ। ठीक है सर। नाज़नीन मेरी बात तो सुनो यार। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े, आप आइए अंदर। थैंक यू। कहीं जा रहे थे क्या आप लोग? नहीं नहीं, वो बस आप ही को देखा था बालकनी पर से तो मैं दरवाजा खोलने आ गई ताकि वेट ना करना पड़े आपको। रियली आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। बाय द वे मेरा एक कार्ड लास्ट टाइम यहाँ शायद मिल गया था, आपने देखा? कार्ड? कैसा कार्ड? इट वाज अ एटीएम कार्ड। नहीं हमें तो कोई ऐसा कार्ड नहीं मिला। अच्छा हो सकता है फिर मैं कहीं और घूम जाऊँ। खैर तकलीफ के लिए माफ, चलता। इंस्पेक्टर साहब। जी ये
पापा का। Exactly. This is it. Thank you. By the way, खबर तो मिल गई होगी आप लोगों को। कौन सी खबर? बूबू पे कातिलाना हमला हुआ है। बूबू तो बच गया लेकिन चांदनी को गोली लगी और इस वक्त वो हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल? क्या करेंगे जान क्या? आपने कौन सा हयादत करने जाए? लेकिन इंसान को पता होना चाहिए। सही कह रही। खुदा हाफिज़। नाज़नीन, मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि ये वक्त सही नहीं है। अल्लाह मियां, जेब मामा बोल रही थी लाइफ टेस्ट होता है ना, और मामा जी ने भी तो बोला था लाइफ टेस्ट होता है, और जो स्कूल में टेस्ट होते थे उनमें तो मेरे बेस्ट नंबर आते थे, वेरी गुड स्टूडेंट। लेकिन ये जो लाइफ वाला टेस्ट है ना अल्लाह मियां, ये मुझसे नहीं होता पास। बहुत हार्ड होता है मुझसे नहीं होते पार। मामा मामा वाले में भी फेल हो गया था मैं, और बीवी वाले में भी फेल हो गया था, अब चांदनी वाले मैं फेल हो जाऊंगा। अल्लाह भी भाई है। बच गया सर, क्या किस्मत पाई है उसने। क्या आप बूबू को? पता है तुझे, मैं उसे कत्ल कर देगा। बच गया, और गोली किसी दूसरी को लग गई। क्या कहा? क्या नाम था उसका? चांदनी आंटी। पहुंचा दिया उसको मैंने चांद के पास, आई थी सीना तांग के।
गई। चांदनी अब कहाँ चली गई हो? चांदनी मैं तो यही हूँ। नहीं हो ना आप यहाँ, आपका तो ऑपरेशन हो रहा है। अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, मैं यहाँ हूँ या नहीं। चांदनी तो मेरे साथ है, हो ना जाए गलती को, आप तो मेरे साथ हो, आप तो थोड़ा सा। चांदनी वो क्या हुआ है? क्या हुआ बुबू? चांदनी बुबू चांदनी अंदर है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। वो तो यहाँ पे थे ना अभी। बुबू अल्लाह बेहतर करेगा, बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। परी ने भी दुआ की है, रिलैक्स करो, कुछ नहीं होता। बुबू बैठ जाओ, बुबू बैठ जाओ। वो चांदनी कहाँ चली गई? बुबू बैठ जाओ, बुबू बैठ जाओ, बुबू बैठ जाओ, बुबू बुबू। आप मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? आपका फेस है ना, फुल वाइट फेस आपका, काउ मिल्क वाला ऐसे। तुम हंस क्यों रहे हो? इनको देखे, ऐसी बैड लेडी, इनसे कौन शादी करेगा? वाइट वाइट मिल्क। आप कुछ नहीं बोलेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपकी फेवरेट चीजें क्या है? और आप मुझसे नहीं पूछेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा मेरी फेवरेट चीजें क्या है? और पता नहीं चलेगा तो फ्रेंडशिप नहीं होगी, फ्रेंडशिप नहीं होगी तो मैं हेल्प कैसे करूंगा आपकी? आपको किसने कहा कि मुझे हेल्प की जरूरत है? हम जब किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उनसे अलग होना पड़ता है हमें। वो बीवी वापस आ जाएगी तो फिर कैसे आएंगी? वो नहीं आएंगी। मैं लेकर आऊंगी, तुम्हें मुझ पे भरोसा है? प्रॉमिस आप लाएंगी? आई प्रॉमिस। आप में से पेशेंट का करीबी रिश्तेदार कौन है? कोई बताएगा मुझे कौन है पेशेंट के साथ? हाँ, हाँ, चांदनी मेरी वाइफ है। हाँ, बुबू की वाइफ। बुबू, दो ब्लड्स निकालने में तो हम कामयाब हो गए हैं, लेकिन तीसरी ब्लड अंदर जाकर फंस गई है। उस ब्लड का हिस्सा नस से जाकर टच है, अगर ब्लड निकालने में नस जरा सी भी डैमेज हो गई तो आई एम सॉरी टू से हम उसकी जान नहीं बचा सकते। बुलेट निकालना भी जरूरी है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। आप लोग अल्लाह से दुआ कीजिए। ठीक तो हो जाएंगी ना? इंशाल्लाह। सब्र करो, दुआ करो, ठीक ठीक।